छत्तीसगढ़ में खाद और बीज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बहुत से जिलों में सरकारी दुकानों में खाद बीज नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों को निजी दुकानों से अधिक दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। बीजेपी खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश में सरकारी दुकानों में खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकानों में सब मिल रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, तो खाद बीज क्या देगी? बीजेपी वाले केंद्र सरकार से खाद बीज की मांग करें। मिले अभी इस पूरे प्रदेश में खाद के कृत्रिम अभाव हैं। यूरिया खुले दुकान में 600-700 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। डीएपी खाद उसी प्रकार से सरकारी दुकान में इनके पास खाद नहीं है। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित है, उचित रेट पर खाद मिले। सरकारी दुकान में आपके सोसाइटी में खाद नहीं है, बाजार में खाद है, तो आखिर आपके सोसाइटी में दुकान खाद क्यों नहीं है? भारत सरकार अब आदमियों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाया, बेड उपलब्ध नहीं करा पाया, दवाई उपलब्ध नहीं करा पाया, खेतों का खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। बीजेपी इसमें प्रदर्शन करने वाली है महासमुंद में, वो बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा, वो बिल्कुल भारत सरकार से मांग करे, चले दिल्ली।